नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग वाली याचिका दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट आज तय करेगा कि विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। स्वाति मालीवाल मारपीट में 22 जून को 30,000 कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसके बाद विभव के नाम का जिक्र किया गया। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम मेडिकल के लिए एम्स गई तो स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं स्वाति मालीवाल ने बयान में कहा कि सीएम केजरीवाल घर में मौजूद थी, मैं ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी, विभव आया और गालियां देने लगा। उनकी बातों से उसने बिना उकसावे के मुझे थप्पड़ मारा, मैंने शोर मचाया और कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव कुमार लगातार मारता रहा और हिंदी में गंदी गालियां देता रहा। विभव ने मेरी छाती पर मारा, मेरे चेहरे पर मारा और फिर पेट पर भी मारा, जिसके बाद खबरें आई कि पुलिस ने विभव को पकड़ लिया, लेकिन वहां जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वही मोबाइल फॉर्मेट होने के पीछे की एक ही वजह बता रहा है कि उसका फोन हैंग हो गया था। इसको लेकर पूरी खबरों की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट के मामले में सोमवार यानी आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इसमें हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि विभव ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। दरअसल विभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने विभव कुमार के वकील और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद 31 मई को विभव कुमार की याचिका पर फैसला को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में विभव कुमार के वकील ने कहा था कि उन्होंने विभव कुमार की अग्रिमी जमानत दी है, जबकि करीब 4 से 4:30 बजे के बीच सुनवाई हो रही थी और इस बीच करीब 4:15 बजे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब अगर इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है तो कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस तरह से गिरफ्तार किए जाने से उनके मौलिक अधिकार का शोषण किया जा रहा है। अब देखना होगा कि विभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि विभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उन पर हमला किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव पर FIR दर्ज कर ली है और 18 मई को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 7 जून को 30,000 कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह गंभीर से गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं और ऐसी आशंका है कि उन्हें वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसको लेकर उनकी अंतरिम जमानत को रोक दिया गया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार आज इस सुनवाई के बाद क्या वाकई विभव कुमार को जमानत मिल पाएगी या नहीं।